नमस्कार, मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब का चैनल। और आज का वीडियो है दैनिक राशिफल के बारे में 23 फरवरी 2019। सर्वप्रथम बात करते हैं कि आज का जो प्रेडिक्शन है वो चंद्र राशि आधारित है। जन्म कुंडली में यदि आपके चंद्र एक नंबर के अंदर लिखा है तो आपकी राशि मेष है, इस हिसाब से ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। जन्म कुंडली में चंद्र यदि आपके पाँच नंबर के अंदर लिखा है तो आपकी राशि सिंह है, इस हिसाब से ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रेडिक्शन। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग के बारे में। तो पंचांग आज का इस प्रकार है, विक्रम संवत 2075 माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और जो पंचमी है उसका क्षय है। जो तिथि चतुर्थी है वो सुबह 8:11 तक है और उसके बाद तिथि पंचमी चालू होती है, लेकिन पंचमी जो है वो सुबह 6:14 को पूर्ण हो जाती है सूर्योदय से पहले। इसके कारण जो पंचम तिथि है उसका क्षय है, तो पूरा दिन तिथि चतुर्थी कहलाएगी। हमारे शास्त्र के अनुसार जो सूर्योदय के वक्त जो तिथि होती है वो पूरा दिन मानी जाती है, भले तिथि सुबह 8:11 को ख़त्म हो जाती है चतुर्थी, लेकिन तिथि जो है वो चतुर्थी ही कहलाएगी। पंचम का क्षय है। नक्षत्र चित्रा है, रात को 10:47 तक। योग गंड है, करण कौलव है और चंद्र राशि जो कन्या एवं तुला है। आज का चंद्र 11:28 तक चंद्र कन्या राशि में है, उसके बाद चंद्र जो है वो तुला राशि में है। तो चित्रा नक्षत्र और जो चंद्र है वो कन्या एवं तुला राशि में है, सुबह 11:28 के बाद तुला राशि चालू हो जाती है। तो सर्वप्रथम बात करेंगे मेष राशि के लिए। राशि चक्र की प्रथम राशि मेष राशि के लिए चंद्र आज छठवें एवं सप्तम स्थान के अंदर हैं, जो आपके लिए शुभ है। खर्चे शायद थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता रहेगी, पार्टनर का पूर्ण सहयोग रहेगा और कॉन्फिडेंस लेवल आपका आज बढ़ेगा, क्योंकि ये जो चंद्र है ये मंगल के नक्षत्र में है और आपके जन्म के चंद्र के ऊपर दृष्टि संबंध के कारण मानसिक संतुलन एवं प्रसन्नता में वृद्धि होती है। दूसरी राशि वृषभ राशि के लिए चंद्र आज पंचम स्थान से निकल कर चलेंगे छठे स्थान के अंदर, जो आपके लिए शुभ है। रोग शत्रु पर विजय देने वाले बनेंगे और मामा या मौसी की ओर से भी आपको लाभ मिल सकता है। वृषभ राशि में भी जो यदि आपका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है तो आपके लिए आज ग्रैंड सक्सेस वाला दिन है, शत्रु विजय योग बनता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्र आज चतुर्थ स्थान से निकल कर चलेंगे पंचम स्थान के अंदर, तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन महसूस करेंगे, खास करके प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर के बारे में कोई टेंशन स्ट्रेस हो, माता के साथ हो, इन लॉज के साथ हो, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहेगा। सुबह 11:28 के बाद जब चंद्र राशि परिवर्तन करते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्र आज तीसरे स्थान से निकल कर चलेंगे चतुर्थ भाव के अंदर, तो थोड़ा सा टेंशन वाला सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, जॉब में, करियर में, रिलेशन में, खास करके माता के साथ, पिता के साथ, जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल के साथ, मैरिड हैं तो इन लॉज के साथ, इस सभी जगह पर स्ट्रेस टेंशन आपका बढ़ेगा सुबह 11:28 के बाद जब चंद्र राशि परिवर्तन करते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्र जो है वो आज 11वें स्थान से निकल कर चलेंगे 12वें स्थान के अंदर। कर्क राशि के बाद सिंह राशि आती है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए जो आज का चंद्र है वो दूसरा एवं तीसरा चंद्र है, तो वाणी में जितनी मिठास रखेंगे, नरमास रखेंगे, इतना ही आपको लाभ है। नए साहस करवाएंगे। तीसरे स्थान के चंद्र जो तुला के चंद्र हैं आपके लिए तीसरे स्थान के चंद्र बनते हैं, जो आपको नए साहस करवाएंगे, नए साहस से आपको लाभ भी करवाएंगे। छठवीं राशि कन्या राशि को अपनी राशि से दूसरे स्थान के अंदर चलने वाले चंद्र
आपके लिए बहुत शुभ है। और कन्या राशि में भी जो कोई भी जातक का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ है, इनके लिए आज ग्रैंड सक्सेस वाला दिन रहेगा, क्योंकि चंद्र आपके संपत नक्षत्र में है। तुला राशि वाले जातकों के लिए चंद्र 12वें स्थान से अपनी राशि के अंदर आते हैं, तो आपकी मानसिक संतुलन एवं प्रसन्नता में वृद्धि होगी, क्योंकि जो जन्म के चंद्र हैं वो पुष्टिकर्ता माने जाते हैं। मानसिक संतुलन एवं प्रसन्नता में वृद्धि करेंगे, दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता भी बढ़ाएंगे। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्र आज 11वें स्थान से निकल कर चलेंगे 12वें स्थान के अंदर, और 11:28 के बाद जब चंद्र चलते हैं 12वें स्थान के अंदर, तो लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको आज जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 12वें स्थान में चंद्र 12वें चंद्र में लिया गया डिसीजन आपका गलत सिद्ध हो सकता है। तो कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने का आता है तो रुक जाइए, सोच समझ के जल्दबाजी में कोई डिसीजन आज ना लें। खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, क्योंकि 12वें स्थान में चंद्र चित्रा नक्षत्र में है जो मंगल का नक्षत्र है, तो खर्च आपका थोड़ा आज बढ़ सकता है। धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्र 10वें स्थान से निकल कर चलेंगे 11वें स्थान के अंदर, तो करियर में आपके प्रोग्रेस है, आज का दिन ग्रैंड सक्सेस वाला रहेगा, मित्रों से लाभ रहेगा, स्त्री मित्रों से लाभ रहेगा, तो दिन आपके लिए बहुत शुभ है। मकर राशि वाले जातकों के लिए चंद्र आज भाग्य स्थान से निकल कर चलेंगे 10वें स्थान के अंदर, आपके लिए भी बहुत ग्रैंड सक्सेस है। मकर राशि में यदि आपका जन्म श्रवण नक्षत्र में हुआ है तो डेफिनेटली आपको ट्रैवलिंग से आज बेनिफिट मिलने वाला है, छोटी या बड़ी यात्रा हो सकती है। यदि आपका काम मार्केटिंग का है, घूमने के साथ काम करने का है, ऐसा कुछ है, तो आपके लिए आज ग्रैंड सक्सेस वाला रहेगा। जो चंद्र चित्र नक्षत्र में 10वें स्थान में है, यदि आप मेडिकल प्रोफेशन से कनेक्टेड हैं, पुलिस, मिलिट्री, पैरामिलिट्री या तो कोई भी ऐसे फील्ड से कनेक्टेड हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हैं, जमीन संबंधी कारोबार से कनेक्टेड हैं, रियल एस्टेट से कनेक्टेड हैं, तो आपके लिए आज ग्रैंड सक्सेस वाला दिन रहेगा, यदि आपका जन्म मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में हुआ है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्र आज जो है वो तुला राशि का चंद्र है, आपको 6ठे स्थान से निकल कर चलेंगे भाग्य स्थान के अंदर, तो आपके भाग्य में वृद्धि करने वाले बनेंगे, और सब सुबह 11:28 के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, नए साहस करेंगे, नए साहस से आपको लाभ करवाएंगे, यात्रा प्रवास से आपको बेनिफिट मिल सकता है। और राशि चक्र की 12वीं राशि मीन राशि के लिए चंद्र आज 7ठे स्थान से निकल कर चलेंगे 8ठे स्थान के अंदर, तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो सकता है, आत्मविश्वास का अभाव रहेगा, फाइनेंशियल मैटर के अंदर आपको ज़्यादा केयर करना होगा। हालांकि एक चीज़ प्रैक्टिकली हमने देखा है कि जब चंद्र 8ठे स्थान में से जाते हैं तो फाइनेंस का बेनिफिट तो मिलता है, क्योंकि धन स्थान के अंदर चंद्र की पूर्ण दृष्टि होती है, तो कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति तो होती ही है। तो कुटुंब सुख एवं धन सुख में वृद्धि करवाने वाले बनेंगे, लेकिन साथ साथ जो 8ठे स्थान है वो खाड़ा का स्थान माना गया है, जिसके कारण माइंड थोड़ा सा विम्जिकल हो सकता है, और ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको आज जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। आज का जो नक्षत्र है ये चित्रा नक्षत्र है, ये मंगल का नक्षत्र है, और आज का ये चित्रा नक्षत्र चंद्र के 3 नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए ज़्यादा शुभ रहेगा। चंद्र के 3 नक्षत्र इस प्रकार है, वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र, कन्या राशि में हस्त नक्षत्र और मकर राशि में श्रवण नक्षत्र वाले जातकों के लिए आज का दिन ग्रैंड सक्सेस वाला रहेगा। जबकि आज का जो नक्षत्र है ये सूर्य के 3 नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों के लिए स्ट्रेस टेंशन वाला रहेगा। सूर्य के 3 नक्षत्र इस प्रकार है, मेष एवं वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र, सिंह एवं कन्या राशि में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और धनु एवं मकर राशि में उत्तराषाढ़ नक्षत्र वाले जातक जो भी है उनको थोड़ा सा स्ट्रेस टेंशन रहेगा,
तो आज आपको जल्दबाजी में हड़बड़ी में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आपका जन्म कृतिका उत्तर फाल्गुनी और उत्तर षडा नक्षत्र में हुआ है, नक्षत्र शांति के लिए चित्रा नक्षत्र की शांति के लिए भैंस को खिला सकते हैं, भैंस को गुड़ खिला सकते हैं, फ्रूट खिला सकते हैं, ब्रेड खिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं। चित्रा नक्षत्र की शांति के लिए भैंस को खिलाना चाहिए। और आज का जो लकी कलर रहेगा वो रहेगा लाल। घर से आपको गुड़ या तो कोई भी मीठी चीज़ खा के घर से निकलना चाहिए। कैसा रहा आपका आज का दिन, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। भले आप दूसरे दिन करो लेकिन कमेंट जरूर करो कि हाँ प्रेडिक्शन बराबर है या आपको कैसा लगा प्रेडिक्शन। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन एक जरूर दबा सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल से जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं उसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, प्रसन्न रहो, ऐसी शुभकामना के साथ जय गणेश।